हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे। इसके लिए हमें क्या मसाले चाहिए वो देख लेते हैं। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1.5 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच छोटा मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ा सा हींग चाहिए, नमक चाहिए, राई 1 चम्मच और 1 चम्मच चाहिए हमें जीरा। आलू की सब्जी के लिए हमें चाहिए कटा हुआ कांदा, चटनी के लिए चाहिए हरा धनिया, ये थोड़ा सा सब्जी के लिए कटा हुआ धनिया रखी हूँ मैंने काट कर, लहसुन चाहिए चटनी के लिए, थोड़ी सी हरी मिर्च चाहिए चटनी के लिए, छौंकन के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च और ये कड़ी पत्ता लिया है मैंने, और ये नींबू चाहिए 1 चटनी के लिए। मैंने गाढ़ा दही भी लिया है आलू के पराठे के साथ में, ये दही के साथ में आलू के पराठे और भी टेस्टी बनते हैं, लगते हैं खाने के लिए। ये मलाई वाला गाढ़ा दही लिया है जिसमें मैंने चीनी और नमक ऐड कर उसको अच्छे से फेंट कर रखा है। दोस्तों, मैंने 1 कटोरा आटा लिया है, मुझे 2 कटोरा आटा लगेगा मेरे परिवार के लिए। आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी आप ले सकते हो। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालकर इसका अच्छे से डो बना लेते हैं। दोस्तों, मैंने आलू के पराठे के लिए ये आलू उबलने के लिए रखे हैं। ये 4 बड़े आलू को काटकर मैंने गर्म पानी में उबला है, ये अच्छे से उबल चुके हैं, आप देख सकते हो आलू पूरी तरह से अच्छे से उबल चुका है, आप चेक कर सकते हो हमारा आलू उबल चुका है। हम इसे ठंडे पानी में डालते हैं और इस पे का छिलटा उतार लेते हैं। दोस्तों, हम ये हमारा पका हुआ आलू इसके छिलका उतार लेते हैं। ठंडे पानी में डालना है, इसे पूरा ठंडा करना है और फिर ही इसका छिलका उतारेंगे हम। अच्छे से पक गए तो इसका छिलका जल्दी से निकल जाता है ठंडे पानी में डालने के बाद में। दोस्तों, हमने सब पूरे आलू अच्छे से छिलका उतार कर तैयार कर लिए हैं, हम इसकी सब्जी बनाएंगे अभी। ये आटा हम गूंद लेते हैं दोस्तों, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, पराठे में नमक अच्छा लगता है। अब हम इसे धीरे धीरे पानी ऐड करके गूंद लेंगे, इसका डो बनाएंगे। हमारा आटा थोड़ा सॉफ्ट ही गूंदना है दोस्तों, हमारा डो लग चुका है दोस्तों अच्छे से। हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर रखते हैं थाली से, आप गीले कपड़े से भी ढककर रख सकते हो इसे। थोड़ी सी कसूरी मेथी हम रोस्ट कर लेते हैं, अगर आपके पास कसूरी मेथी होंगी तो आपने लेना, या आप थोड़ी सी कसूरी मेथी सब्जी के लिए हम रोस्ट कर लेते हैं, अगर आपके पास हो तो आप डालोगे या स्किप भी कर सकते हो। दोस्तों, मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है, ये हम कढ़ाई में डालते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद में हम इसमें जीरा डालेंगे। राई डालेंगे, इसे अच्छे से तड़कने देना है। हींग डालेंगे, करी पत्ता डालेंगे, मिर्ची डालेंगे, अब हम इसमें प्याज
कटा हुआ प्याज ऐड करते हैं। मीडियम पावर पे हमें कांदा अच्छे से लाल भून लेना है। कोई ऐसे भी बगैर छौंकन करके सब्जी बनाते हैं आलू की, लेकिन उससे अच्छे से पराठे में पराठे बनते नहीं हैं बेलने के टाइम में, इसलिए हम इसे अच्छे से छौंक कर नरम कर कर इसकी फिलिंग बनाएंगे। हमारा कांदा लाल होता है तब तक हम इसे बटाटा अच्छे से मैश कर लेते हैं इस चम्मच से, आप हाथों से भी कर सकते हो। ये अच्छे से मैश हो चुका है हमारा बटाटा। अब हम मसाले इस बटाटे में ही डालेंगे, आज हम तेल में नहीं डालेंगे, सीधा हम बटाटे में ही डालेंगे। ये एक चम्मच बटाटे में हम मिर्च पाउडर, डेढ़ चम्मच मिर्च पाउडर ऐड कर लेते हैं। धनिया पाउडर ऐड करते हैं, मसाला पाउडर ऐड करते हैं, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश कर लेते हैं, इसे भी ऐड कर लेते हैं, सांभर, धनिया भी डाल लेते हैं यहाँ पे। हमारा कांदा अच्छे से ब्राउन कलर का हो चुका है, आप देख सकते हो फ्रेंड, हमारा कांदा अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे ये बनी हुई पूरी आलू की सब्जी इसमें ऐड करेंगे धीरे धीरे और चलाते जाएंगे। पूरी सब्जी इसमें ऐड करेंगे कढ़ाई के अंदर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारे सारे मसाले इसमें ऐड हो चुके हैं दोस्तों, हम सब्जी अच्छे से मिक्स करके ठंडा होने के लिए रखते हैं 10-15 मिनट के लिए, फिर हम इसके अच्छे से आलू के पराठे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी पूरी अच्छी तरह से बन चुकी है, इसका कलर देखिए आप, ये आलू के पराठे में जाएगी। और इसी तरह से सब्जी अगर आप बनाओगे तो आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे, इसीलिए आप इस तरह से ट्राई करके देखिए। हम इसे 10-15 मिनट के लिए ढककर रखते हैं ठंडा होने के लिए। फ्रेंड्स, हमने नॉनस्टिक तवा रखा है गर्म करने के लिए, आपके पास सादा तवा अगर होगा तो आप वो भी ले सकते हो। और मैंने ये पराठे के लिए 4-5 उंडे बनाकर रखे हैं, आप इसे थोड़ा सा तेल का हाथ भी लगा सकते हो। अब हम इसका बनाएंगे आलू का पराठा। हमारी भाजी भी आलू की सब्जी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, हम उसे एक चम्मच के जरिए भरेंगे ऐसे छोटे छोटा, इतना साइज में बेलना है ये रोटी, और इस तरह से ये चम्मच के जरिए हम इसमें भरेंगे आलू, आलू की सब्जी ऐसे भरेंगे। अब हम इसे इस तरह से मोड़ कर ज्वाइन करेंगे, इसे इस तरह से पूरा ज्वाइन करेंगे, इसे अच्छे से ज्वाइन करना है दोस्तों, ये कहीं से फटना नहीं चाहिए। इसे आप आटे में इस तरह से आटा लगाकर आप इस तरह से हाथों से भी इसे दबाकर इसका राउंड बना सकते हो। अब हम हल्के हाथों से इसे बेलते हैं,
हल्के हाथों से बेलना है तो पराठा हमारा कहीं से फटेगा नहीं। हमें थोड़ा जाड़ा ही रखना है ये पराठा। हमारा पराठा बन चुका है पूरा, अब हम इसे तवे के ऊपर डालेंगे। मीडियम पावर पे गैस के हमें इसे सेकना है। एक साइड से सेक रहा है तब तक हम चम्मच के जरिए इस पे तेल डाल देंगे। हम इसे ग्रीस करेंगे, अच्छे से ग्रीस करेंगे तेल को। आप चम्मच से भी फैला सकते हो ये तेल पूरा। अब हम इसे धीरे धीरे पलटाएंगे, इसे हम पलटाएंगे। हमारा सीक चुका एक साइड से, अब हम इसे भी तेल लगाएंगे चम्मच के जरिए। धीरे धीरे ऑयल डालेंगे इसके ऊपर। अच्छे से हमें इसे सेकना है पराठे को। दोस्तों हमारा पराठा पूरी तरह से अच्छे से सीख चुका है। आप इसमें बटर भी डाल सकते हो, बटर डालकर भी आप खा सकते हो ये पराठा। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम दूसरा पराठा बनाते हैं। इसे भी उसी तरह से भरना है और इस तरह से ज्वाइन करना है इसे। इसी तरह से अच्छे से ज्वाइन करना है। हल्के हाथों से बेलना है इसे। ये दूसरा वाला सेकते हैं पराठा। ये तीसरा भी पराठा हम भर लेते हैं इसमें आलू की सब्जी इस तरह से। आटा लगाते हैं थोड़ा सा हल्के हाथों से भी बेलते हैं। एकदम हल्के हाथों से बेलना है हमें इसे। ऑयल डालते हैं इसके ऊपर। दूसरी तरफ से सेकता है तब तक हम इसे ऑयल डालकर फैला देते हैं इसे अच्छे से। हम दूसरी तरफ से भी इसे ग्रीस कर लेते हैं ऑयल से। दूसरा वाला भी अपना आलू का पराठा अच्छे से भून चुका है। दोस्तों देखो कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है इसका। काला है दोस्तों, आराम से निकालना है। चटनी के लिए हमने धनिया डाला है इसमें, हरी मिर्ची ऐड करते हैं। हरी मिर्ची एक चम्मच, जीरा डालेंगे, लहसुन डालेंगे, आप पुदीना भी ऐड कर सकते हो दोस्तों इसमें।
और एक नींबू डालेंगे, नींबू का रस निकालेंगे। अब हमने नींबू डालने के बाद में थोड़ी सी शक्कर ऐड करते हैं टेस्ट के लिए, ये चटनी बच्चे भी खा सकते हैं। थोड़ा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब हम इसे मिक्सर में से निकाल लेते हैं। चटनी बढ़ चुकी है, इसमें पिस चुकी है, अच्छे से हम इसे निकाल लेते हैं। चटनी फ्रेंड्स, हमारे आज के आलू के पराठे गर्मा गर्म देखिए आप कितने अच्छे बने हैं, ये तैयार है। इसके साथ हमारे तीनों भी चटनियाँ रेडी है। ये खट्टा मीठा दही अपना, आप इससे भी खा सकते हो ये पराठे। ये टमाटो केचप है, अगर कुछ अवेलेबल ना हो आपके घर में तो आप टमाटो केचप से भी खा सकते हो। और ये सांभर और हरी मिर्ची की चटनी। तो ये लाजवाब खाना आज का तैयार है दोस्तों। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरे नए अपडेट आपको मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार।